गाइस, हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल गूगल यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप्स और प्ले स्टोर जैसे अपने कई प्लेटफॉर्म की मदद से आपके सारे डेटा को कलेक्ट कर लेता है, जिसे गूगल को काफी एक्यूरेटली आपकी एजुकेशन, इनकम, फूड प्रेफरेंस, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी लोकेशन के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, यहाँ तक कि आपके बच्चे हैं या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में पता लग जाता है। और इसी का फायदा गूगल अपने बिजनेस के लिए उठाता है, जहां वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके डेटा को यूज करके आपको ऐसी एड्स दिखाता है जो कि आपको पसंद होंगी, जिससे उन एड्स पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो इस चीज का अपने क्लाइंट से अच्छा खासा चार्ज करता है। गाइस, कुल मिलाकर गूगल ने आपकी प्राइवेसी से ही अपना बिजनेस मॉडल खड़ा किया है और इसी वजह से वो इतना सक्सेसफुल है। गाइस, साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को $3.2 बिलियन में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि ये कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।